शास्त्र कहता है कि आप हजार प्रकार के श्राद्ध करो, हजार प्रकार से कथा सुनो, ये कथाएं सीधे ही आपके पूर्वजों को शांति और सद्गति प्रदान करने वाली कथा है, जिसको आज से हम 2 तारीख तक लगातार सुनेंगे। जैसे जैसे अमावस नजदीक आता जाएगा, हम लोग YouTube के माध्यम से सुनते सुनते ही इतनी कृपा प्राप्त कर चुके होंगे शास्त्रोक्त, जिसको सुनने मात्र से ही हमारे कोई भी पूर्वज मृत्यु को प्राप्त हो चुके हों, वो खुद परेशान हो या उनकी कोप के कारण हमारे घर में कोई परेशानी हो, तो उनकी परेशानी से भी वो मुक्त हो और उनके कारण जो हमको परेशानी हो रही है उससे हम मुक्त हो। ऐसे दिव्य रूप से आज से हम कथा सुनते भक्ति करते जाएंगे। सबसे पहले हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये सभी स्तोत्र जो भी पितृ स्तोत्र सुनेंगे, जो भी मंत्र करेंगे, रोज करेंगे आज से हम अमावास तक, ताकि हर घर में इसकी शक्ति प्रवेश करें। घर घर में कोई दोष हो तो निवृत्त हो, अगर कोई दोष नहीं हो, निर्दोष हो, तो कृपा अनंत गुना हो जाए। इसलिए हम लगातार इसको अमावास तक सुनते जाएंगे, वेदोक्त शास्त्रोक्त मंत्रों को, कथाओं को सुनते जाएंगे, जिससे हमारा कल्याण होता रहे। अब ओम प्रथम पितृनारायणाय नमः, 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 ओम प्रथम पितृनारायणाय नमः। जिन घर में कोई भी दुर्घटना होती हो, घड़ी घड़ी मौत होते हो, या घर में घड़ी घड़ी कोई ना कोई चीज गुम हो जाता हो, कोई ना कोई वस्तु में आग लग जाती हो, अचानक गैस स्टोव से दूध उफनना, दाल जल के दुर्गंध आना, दाल रखा हुआ कुकर में अचानक खुद ही पानी खत्म होके जल के दुर्गंध आना, ये सब पितृदोष के चिन्ह हैं। दाल गल जा, दाल एकदम पानी खत्म होके जलना, दूध उफन के बाहर निकल के गैस के आग को बुझा देना, घर में एक प्रकार से दुर्गंध आना, घर में विभिन्न प्रकार की परेशानियां, बीमारी, पैसे की तंगाई, उदारी, कष्ट, ये सब पितृदोष के चिन्ह हैं। घर में बच्चे कहना नहीं मानना, बच्चे कोई भी काम में जाएं तो उनको नौकरी या धंधा सही ढंग से नहीं बैठना, ये सब पितरों की किसी न किसी प्रकार के कोप का चिन्ह है। क्योंकि देवता आप पूजा करते हैं तो प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, आप नहीं करते हैं तो वो अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन पितरों की अगर आप सही ढंग से आदर सत्कार नहीं करते हैं तो वो विभिन्न प्रकार से आपको दुख भी देते हैं, परेशान करते हैं, क्योंकि उनको भी आपके द्वारा दिया गया जल और तिल होम आदि श्राद्ध आदि पदार्थ नहीं मिलने के कारण प्यासे भूखे होकर के परेशान होते हैं। तो शास्त्र गरुड़ पुराण कहता है कि उनको आपके खून तक को चूसने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसलिए ऐसे पितरों को तृप्त करने के लिए अब हम ओम गृणी सूर्याय नमः, 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 ओम गृणी सूर्याय नमः। सब पहले श्री भगवान रुद्र को प्रणाम करके, फिर प्रथम पितृ नारायण को प्रणाम करके, फिर सूर्य देव को प्रणाम करके, फिर ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, 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 ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः,
ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। सभी पितृदेवों को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरे माता पिता और मेरे माता पिता जो जीवित अजीवित हैं उनके माता पिता यानी मेरे दादा दादी, परदादा परदादी, लड़दादा लड़दादी, उनके ऊपर के जितनी पीढ़ियाँ आदि पुरुष नारायण तक जा रही है उन सबको आज मैं पितृपक्ष के इस सोमवार में षष्टमी के तिथि में प्रणाम करता हूँ। मेरे मातृपक्ष को, मातृपक्ष के माता पिता को, नाना नानी, पर नाना पर नानी, लड़ नाना लड़ नानी आदि प्रथम पुरुष तक के जितनी पीढ़ियाँ हैं सबको प्रणाम करता हूँ। प्रथम आदि पुरुष भगवान नारायण ब्रह्मा से लेके अब तक मेरे आज तक जितने पितृलोक में पितृ हुए हैं, मेरे पूर्वज दादा दादी की परंपरा से, नाना नानी की परंपरा से, उन सबको प्रणाम करता हूँ, उन सब को नमन करता हूँ, उनके सबके चरणों को कोटि कोटि बार वंदन करता हूँ। हमारे द्वारा, हमारे आगे की पीढ़ी द्वारा आप सबके दिल को ठेस पहुँचे या आपके जीवन उपाय में कोई कमी रह गई हो, आपको खान पान आदि व्यवस्था में पितृलोक में जो आवश्यकता है उसको हम पूर्ण नहीं कर पाए, जिस कारण से आपको परेशानी हुई हो, तो हम आपको प्रणाम करके क्षमा चाहते हैं और आपको नमन करके हमारी गलतियों के लिए बारंबार क्षमा चाहते हैं।